क्या सनी देओल के साथ बॉलीवुड में नाइंसाफी हुई? क्या सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान उनका करियर खा गए? जी हाँ, इसी बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। अभी गोवा में इन दिनों इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है और वहां पहुंचे थे सनी देओल, और सनी देओल के साथ उनके चहेते फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी भी पहुंचे थे। दोनों स्टेज पर बैठे थे और तब राजकुमार संतोषी ने एक बयान दिया कि सनी देओल के पास जितना टैलेंट है उस हिसाब से इनको काम नहीं मिला, बॉलीवुड ने इनके टैलेंट के साथ न्याय नहीं किया। और ये सुनकर सनी देओल की आंखों में आंसू आ गए। राजकुमार संतोषी ने यह भी कहा कि देर से ही सही, जो बॉलीवुड वालों ने तो इनकी बात नहीं सुनी, लेकिन ऊपर वाले ने इनकी बात सुनी और आज देखिए उसी का नतीजा है कि सनी देओल को जनता का इतना प्यार मिला, उनकी फिल्म गदर 2 इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई। ये सुनते ही सनी देओल की आंखों में आंसू आ गए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजकुमार संतोषी की ये बात सही है। 80 के दशक में बॉलीवुड में मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर, सनी देओल, जैकी श्रॉफ जैसे एक्टर्स का बोलबाला था। ये ज्यादातर ये एक्टर्स जो है एक्शन फिल्में करते थे, इनकी सोशल फिल्में हुआ करती थी। उसी दौरान बॉलीवुड की फिल्मों का माहौल चेंज हो गया। बॉलीवुड में जो है लव स्टोरीज बनने लगी। इसकी शुरुआत हुई पहले कयामत से कयामत तक आई 1988 में। इसके बाद 1989 में आ गई सलमान खान की मैंने प्यार किया, और इसके बाद बॉलीवुड में 1992 में आए शाहरुख खान जिनकी फिल्म थी दीवाना। तो ये तीनों एक्टर्स जो है उस समय लवर बॉय बनकर आए और बॉलीवुड की फिल्मों का कलेवर ही चेंज हो गया। एक के बाद एक रोमांटिक फिल्में बनने लगी। वो दौर जो 90 का दशक था, उस दौरान ज्यादातर फिल्मों में जो म्यूजिक बहुत अच्छा होता था, रोमांस होता था, और धीरे धीरे सनी देओल, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त जैसे जो एक्टर्स थे जो कि एक्शन फिल्में किया करते थे, उनको जो है फिल्में कम मिलने लगी। इसका शिकार सनी देओल भी है। आपको याद होगा कि सनी देओल ने शाहरुख खान के साथ डर नाम की फिल्म की थी। इस फिल्म में सनी देओल एक नेवी ऑफिसर के रोल में थे, लेकिन सनी देओल ने उस समय नाराजगी जताई थी कि फिल्म में उनका रोल जो है शाहरुख खान के मुकाबले उतना दिलचस्प नहीं है। उस फिल्म उसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक नेवी ऑफिसर जो है एक आम लड़के से जो है मात खा जा रहा है। तो इस वजह से जो है सनी देओल नाराज हो गए थे। उन्होंने फिल्म के सेट पर अपनी जीन्स फाड़ दी थी और इसी वजह से सनी देओल का यशराज फिल्म के साथ 36 का आंकड़ा हो गया था। वहीं शाहरुख खान यशराज फिल्म्स के चहेते बन गए थे और यशराज की हर दूसरी फिल्म में वही हीरो हुआ करते थे। बॉलीवुड में कैंप्स बनने लगे। एक तरफ करण जौहर आए, उन्होंने भी शाहरुख खान के साथ फिल्में करनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ एक कैंप था परजात्या का, जहां सलमान खान अपनी फिल्में दिया करते थे। वहीं आमिर खान की भी अपनी फैमिली फिल्में बनाया करती थी। उनके भाई मंसूर अली खान फिल्में बनाते थे, उसमें आमिर खान होते थे। इसके अलावा बॉलीवुड के कुछ और फिल्म मेकर्स थे जो आमिर खान के करीबी थे। तो उस दौरान जो है बॉलीवुड में कैंप्स बनने लगे और खान्स जो है बहुत सारे फिल्म मेकर्स की पहली पसंद होने लगे, और ऐसे में सनी देओल जैसे एक्टर को जो है फिल्में मिलनी कम हो गई। उस दौरान सनी देओल को जो फिल्में मिलती थी वो एक्शन फिल्में होती थी, मल्टी स्टारर फिल्में होती थी, और वो लव स्टोरी वाली फिल्मों के मुकाबले उतनी चल नहीं पाती थी। हालांकि इतनी टफ कंपटीशन के बावजूद भी सनी देओल ने उस दौरान भी घायल, घातक, कामिनी जैसी फिल्में दी, लेकिन उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म थी गदर एक प्रेम कथा, जो कि साल 2001 में आई थी। ये फिल्म सिनेमाघरों में आई थी 15 जून 2001 को। बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी ये। आमिर खान के साथ सनी देओल की फिल्म रिलीज हुई थी और आमिर खान की फिल्म सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा के मुकाबले पीछे हो गई थी। लगान फिल्म को भले ही वर्ल्ड वाइड बहुत सराहा गया हो, भले ही लगान ऑस्कर के टॉप 5 फिल्मों में गई हो, लेकिन इसके बावजूद सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा आमिर खान की फिल्म लगान के मुकाबले में ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म साबित हुई थी। वहीं इस फिल्म को आम जनता का भी जबरदस्त प्यार मिला था। लेकिन इस फिल्म के बाद से सनी देओल को जो है उनके मन मुताबिक फिल्में नहीं मिलती थी, या फिर बॉलीवुड में उनके खिलाफ कोई साजिश हुई कि सनी देओल को इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद भी कोई अच्छी फिल्म नहीं मिल रही थी। और देखा जाए तो गदर एक प्रेम कथा के बाद सनी देओल की कोई भी बहुत बड़ी फिल्म नहीं आई। करीब 22 सालों तक सनी देओल जो है एक सुपरहिट फिल्म को तरस रहे थे और ये इंतजार खत्म हुआ गदर 2 के साथ। जब सनी देओल की फिल्म सिनेमाघरों में आई और तारा सिंह के रोल में दर्शकों ने उनको जबरदस्त प्यार दिया, और यही बात है कि आज जब गदर 2 ने 525 करोड़ की कमाई कर ली इंडियन बॉक्स ऑफिस पर, तो आज सनी देओल के पास काम की कोई कमी नहीं है।
उनको एक साथ 8 से 9 फिल्में ऑफर हुई हैं और बड़ी बड़ी फिल्में हैं, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं। आमिर खान के साथ वो काम कर रहे हैं एक फिल्म में। दूसरी तरफ बॉर्डर 2 की चर्चा हो रही है, गदर 3 भी उन्होंने साइन कर ली है। इसके अलावा रामायण नाम की एक फिल्म में वो काम कर रहे हैं, तो सनी देओल के पास काम का भंडार पड़ा है। लेकिन ये भी एक सच है कि बॉलीवुड ने सनी देओल के साथ नाइंसाफी की। गदर एक प्रेम कथा के बाद बॉलीवुड ने उनको काम नहीं दिया, बॉलीवुड में गुटबाजी हुई, बॉलीवुड ने देओल परिवार को उसका क्रेडिट नहीं दिया। ये एक सच है और देओल परिवार का हर सदस्य इस बात को मानता है कि किस तरह से धर्मेंद्र के परिवार को बॉलीवुड ने दरकिनार किया।